अरे पूरा यही लोग देखिए, ये कोविड के दो बहुत बड़े प्रहार हमारी इंडस्ट्री में पड़े हैं। पहले लता जी और फिर हमारे बप्पी दा गुजर गए हैं। ये बहुत ही एक दुख खबरी है और बप्पी दा के लिए क्या कहूँ। हमारे तो बहुत फैमिली रिलेशन थे। बप्पी दा ने सुलक्षणा पंडित, मेरी जो बड़ी बहन है, उनको बहुत गाने गवाए थे और मैं बचपन से उनके रिकॉर्डिंग में जाता था। बड़े भाई जैसे थे। जब काम भी करना शुरू किया तो बप्पी दा का बहुत आशीर्वाद रहता था। बहुत प्यार से खुश होकर मिलते थे और हमेशा कोई भी फंक्शन होता था उसमें मेरी पूरी फैमिली आती थी उनके यहाँ। दादा का बर्थडे हो या लक्ष्मी पूजा हो, सरस्वती पूजा हो या गणपति की पूजा हो, बड़ा मिलना होता था उनसे। हमेशा जब मिलते थे बहुत ही प्यार से। मुझे लगता है जितनी भी हमारी म्यूज़िक फ्रेटर्निटी है, जितने सिंगर्स हैं, जितने कंपोजर्स हैं, उन सब के साथ बप्पी दा के बहुत अच्छे रिलेशन थे। सबसे बहुत प्यार से मिलते थे और सबको ऐसा लगता था कि बप्पी दा हमारे हैं। और ये पूरी हमारी म्यूज़िक फ्रेटर्निटी का बहुत बड़ा लॉस है कि बप्पी दा चले गए। बप्पी दा को लोग अक्सर बोलते हैं कि ये डिस्को किंग थे। मैं मानता हूँ कि ये बहुत ही सुरीले इंसान थे। इनके अगर आप सुरीले गाने सुने, आप सब सुनते होंगे बप्पी दा के, वो गाने कभी ख़त्म नहीं होंगे। चलते चलते के या कई पिक्चरें जिनमें किशोर दा ने रोमांटिक नंबर गाए हैं, बप्पी दा बहुत ही बढ़िया काम करके गए हैं। और बहुत हार्ड वर्किंग थे बप्पी दा। बहुत एक ज़माने में तीन तीन गाने उनके एक साथ रिकॉर्ड होते थे अलग अलग स्टूडियो में, तो इतनी उनमें पोटेंशियलिटी थी और बहुत ही आराम से आसानी से काम कर लेते थे। सिंगरों को बड़े प्यार से गवाते थे, मैंने जो सुना है। और मेरी सुलक्षणा दीदी के साथ भी बहुत अच्छे उन्होंने खुद गाने गाए हैं और किशोर दा के साथ भी उन्होंने गवाया गाने, वो भी सब गाने बहुत हिट हैं। और बप्पी दा के का कंट्रीब्यूशन बहुत एक्टर्स के साथ है। देखिए, जितेंद्र साहब के साथ उनकी पिक्चरें पूरी पूरी म्यूजिकली हिट हैं। बच्चन साहब के साथ बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। डिस्को डांसर तो हम सब जानते हैं कि मिथुन दा के साथ कितना अच्छा काम किया, गोविंदा के साथ बहुत लाजवाब काम किया है। तो और ये एक ऐसे कंपोज़र हैं जिन्होंने पूरी एक पिक्चर में पूरे पूरे गाने सुपर हिट दिए हैं। आजकल ऐसा सुनने को नहीं मिलता, एक आध गाना कहीं मिल जाए सुनने को कि बहुत अच्छा है गाना, मगर बप्पी दा में ऐसी काबिलियत थी कि वो पूरी पूरी पिक्चर में सारे सुपर हिट गाने देते थे। बहुत ही महान इंसान थे और बड़ा ही ये शोक का दिन है हम सब म्यूज़िक फ्रेटर्निटी के और फिल्म इंडस्ट्री की। थैंक यू।